जय माता दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुज्जर समाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुज्जर समाज में एक महीने पहले ही शुरू हो जाती है नवरात्रों की तैयारियां और ऐसे बनाते हैं वो प्रतिमा। चलिए ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुज्जर समाज की महिलाएं शुरुआती ठंड के साथ ही मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाना शुरू कर देती हैं। प्रतिमा बनाने में परिजन पूरा सहयोग करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक उसी प्रतिमा की पूजा की जाती है और भोग लगाकर व्रत का पारण किया जाता है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया नवरात्रि के एक महीने पहले से शुरू हो जाती है। अक्टूबर आते ही सुबह शाम के समय मीठी मीठी ठंड की शुरुआत के साथ ही त्योहार का मौसम भी शुरू हो जाता है। गुज्जर समाज में नवरात्रों में एक महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। मसलन नवरात्रों में पूजा और पूजी जाने वाली देवी की प्रतिमा बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की तलाश कई दिनों पहले कर दी जाती है। प्रतिमा बनाने के बाद देवी की प्रतिमा को नवरात्र से एक दिन पहले गोबर और मिट्टी की सहायता से दीवार पर स्थापित किया जाता है। फिर सुबह शाम को देवी को प्रसाद का भोग लगाकर ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। संध्या यानी कि संध्या के समय कन्याएं एकत्रित होकर टोली के रूप में देवी की आरती करके भजन भी गाती हैं। 15 अक्टूबर जी हां, शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो चुका है, जो कि 23 अक्टूबर दिन मंगलवार को इसका समापन होगा। हर वर्ष यह पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व का आरंभ होता है। इसी में गरबा उत्सव भी मनाया जाता है। फिर 24 नवंबर से विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। परिवार के लोग करते हैं सहयोग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, समाज से जुड़े बहुत से लोग हैं जो इसको काफी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। नवरात्र में घर पर ही निर्मित इस प्रतिमा को पूजना शुभ माना जाता है। गुर्जर समाज में नवरात्रों के दौरान सुबह और शाम के दौरान देवी को प्रसाद का भोग लगाकर ही व्रत खोला जाता है। पूरे 9 दिनों तक देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। संध्या के समय पूरे मोहल्ले की कन्याएं टोली के रूप में देवी की आरती करती हैं, भजन करती हैं, गीत गाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, खुशियां मनाती हैं और माँ को मनाती हैं। दोस्तों, गुज्जर समाज जो है, काफी बार देखा गया है कि उनकी जो मूर्तियां होती हैं काफी विशाल और खूबसूरत होती हैं। वहाँ की जो कन्याएं हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो माता की मूर्ति अपने हाथों से बनाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता की मूर्ति देखना चाहते हैं तो एक बार गुज्जर के घर आइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।